अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रेसिपी, पनीर लबाबदार। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। जो भी इसे खाएंगे वो आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर लबाबदार बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में एक चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसे हल्का सा चला देंगे। अब इसमें हम 2 छोटी इलायची और 4 लौंग डालेंगे। इसे भी 2 से 3 सेकंड तक सॉटे कर लेंगे। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। अब इसे हल्का बादामी कलर होने तक फ्राई करेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है और हल्का बादामी कलर का भी हो गया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसे रफली चॉप कर लिया है। अब इसमें हम 14 से 15 काजू ऐड करेंगे। एक छोटा टुकड़ा अदरक का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इन सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स और सॉफ्ट होने तक इसे पकाएंगे ढक के। अब इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और टमाटर हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद पीस लेते हैं। मिक्सर हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। इसमें 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच बटर ऐड कर लिया है। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें 1 तेज़पात और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 सेकंड तक सोटे करेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसे कच्चा पन इसका खत्म होने तक भूनेंगे, कम से कम 2 मिनट तक। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स। और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने 2 बार डाला है, इस बात का ध्यान रखें कि टमाटर की प्यूरी बनाते टाइम भी उसमें नमक ऐड किया था। मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले नहीं और इसे भून लेंगे 1 मिनट तक। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम टमाटो की प्यूरी ऐड करेंगे, जिसे मैंने पीस के छान लिया था। ये देखिए, इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स और 5 मिनट तक भूनेंगे ढक के। पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ग्रेवी का ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें हम दूध की मलाई ऐड करेंगे, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें हम थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। पनीर मैंने 100 ग्राम लिया है, जिसे ग्रेट कर लिया। आधा मैं इस वक्त डालूंगी और आधा डेकोरेशन के टाइम डालूंगी और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे। पकते हुए 1 मिनट हो चुके। अब इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इसको डालने से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। पनीर मैंने 250 ग्राम लिया है, जिसे क्यूब शेप में काट लिया है और इसे डाल के अब 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब इसे ढक देंगे। पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। वाओ फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये देखिए। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब इसे 1 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे और उसके बाद सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पनीर लबाबदार बनके तैयार है। इसे मैंने ग्रेट किए हुए पनीर से गार्निश कर लिया है। फ्रेंड्स, इसे आप मेरे स्टाइल में एक बार बना के देखें तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो आप इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।